सब्सक्राइब कीजिए दवा फार्मेसी को और प्रेस कीजिए साथ दिए गए बेल आइकन को ताकि मेडिसिन की हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दवा फार्मेसी और वेलकम करते हैं हमारी दवा फार्मेसी में। ये हमारी वीडियो नेजकिल टैबलेट के बारे में होगी और आज हम बात करेंगे नेजकिल टैबलेट के बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में और आप इस टैबलेट का किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। से जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया वो कर लें ताकि मर्सन के मतलब न्यू अपडेट आने वाली अब तक पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि आपके गले में इन्फेक्शन हो, आपके कान में इन्फेक्शन हो, आपकी बिछा वाली नाली में इन्फेक्शन हो तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये टैबलेट दादा जुकाम बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिनको नज़र कम बुखार हो जाए तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट नमूनिया के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिनको नमूनिया हो जाए वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट इनके लिए बहुत ही मुफीद है। और इसके अलावा ये टैबलेट गले के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जिन दोस्तों के गले में इन्फेक्शन हो जाए और खांसी और बगलम आती हो तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट फेफड़ों में रेशे के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट मेल और फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट 400 mg और 600 mg में मौजूद है और ये टैबलेट सिरप की शक्ल में भी मौजूद है। ये टैबलेट आपको किसी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में आसानी मिल सकती है। जिसम पर चिकन बोल बन जाए तो वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके जिसम में दाने नमा बन जाए तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट और आप जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को यूज़ करने से आपके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी हो सकती है और जिस्म पर रैशेज हो सकते हैं। और वो लोग जो फार्मूले से एलर्जी रखते हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें और दूध प्रतिमा इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें और प्रेगनेंसी में भी खवातीन इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। ये थे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट और आप जानते हैं इस टैबलेट के यूज़र के बारे में, यानी कि इस टैबलेट का उन्हें यूज़ कैसे करना है। इस टैबलेट का अपने दिन में एक मरतबा यूज़ करना है। अगर ज़्यादा मसला है तो आप इस दिन में 2 मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद। ये टैबलेट 18 साल से कम अफराद इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये थे इस टैबलेट के यूज़र। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।